हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनस्वी एग्जाम सॉल्यूशंस। फ्रेंड्स, ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो एच टेट, सी टेट, नेट या किसी ऐसे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कि ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस वीडियो में आप 2013 में जो नेट ज्योग्राफी का एग्जाम हुआ था उसमें 3 पार्ट्स थे, जिसमें जो फर्स्ट पार्ट था वो सभी के लिए कंपलसरी होता है, जो सेकंड और थर्ड पार्ट था उसमें ज्योग्राफी के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो जो सेकंड पार्ट था, जो कि सेकंड पेपर भी बोल देते हैं उसको, उसमें जो 50 क्वेश्चन पूछे गए थे वो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। इससे पहले 2004 से और 2012 तक नेट ज्योग्राफी के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप देखना चाहें तो उन्हें भी देख सकते हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। ये वीडियो आपके आगे आने वाले नेट एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगी, या फिर जो स्टूडेंट पीजीटी ज्योग्राफी से एग्जाम दे रहे हैं, एच टेट, आर टेट आदि, उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल है। फर्स्ट क्वेश्चन है, यह संकल्पना की सामयिक प्रक्रियाएं संपूर्ण भूवैज्ञानिक काल के दौरान क्रियाशील थी के सिद्धांत को जाना जाता है। तो इसको जाना जाता है एकरूपतावाद के सिद्धांत के नाम से। नेक्स्ट है, पैन प्लेन की अवधारणा का संबंध निम्नलिखित में से किस विद्वान से है? तो ये बुक में शायद पैन प्लेन बाई मिस्टेक लिखा गया है यहाँ पे, या पैनी प्लेन होना चाहिए, क्योंकि जो पैनी प्लेन की अवधारणा है वो दी थी W.M. डेविस ने, और जो पैन प्लेन की अवधारणा है ये दी थी C.H. क्रिकेमे ने, जो कि ऑप्शन में है ही नहीं। तो यहाँ पे शायद पैनी प्लेन होगा, और पैनी प्लेन की अवधारणा दी थी W.M. डेविस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो दो सूची दी हुई है जिनको कि सुमेलित करना है, एक तरफ नदी हिमानी ये सब दिए हुए हैं, दूसरी तरफ इनसे बनने वाली स्थलाकृतियां दी हुई है। तो जो नदी है, नदी से बनते हैं प्राकृतिक तटबंध, हिमानी से बनते हैं हिमोड, पवन से बनते हैं इंसेलबर्ग, और भूतल ये जल से मिल बनते हैं डोलाइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें एक चित्र दिया हुआ है, निम्न चित्र में एक्स चिन्हित खंड पर सरिता के क्रम की पहचान करें। तो जो एक्स है यहाँ पर सरिता के क्रम है वो है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी सुमेलित कीजिए, एक तरफ भूरूप दिए हुए हैं और एक तरफ अनाच्छादन के कारक दिए हुए हैं, तो कौन सा भूरूप कौन से अनाच्छादन के कारक से बनता है? तो जो मोनाडनाक्स है ये बनते हैं नदी से, अंधी घाटी ये बनते हैं भूमिगत जल से, भौम जल से, जो ड्रमलिन है ये बनते हैं हिमानी से, और जो ड्राई कैंटर है ये बनते हैं पवन से। ऐसे निम्न देशों को कौन सा युग्म अधिकतम सूर्य ताप प्राप्त करता है? तो इनमें से यमन एवं सोमालिया ये अधिकतम सूर्य ताप प्राप्त करता है। ठोस पदार्थ किस माध्यम से सीधे वाष्प अवस्था में बदल जाते हैं? तो ठोस पदार्थ है वो ऊध्र्वपातन द्वारा सीधे वाष्प अवस्था में बदल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बताना है कौन सा युग्म है वो सही सुमेलित है। तो इसमें फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ ये तीनों ही सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी सूची दी हुई है, तो इन दोनों को सुमेलित करना है। एक तरफ स्थानीय पवन दी है, एक तरफ देश के नाम दिए हुए हैं कि कौन सी पवन कहाँ चलती है। तो जो लू है ये चलती है पाकिस्तान में, जो सामुन है ये चलती है ईरान में, हार्मटन ये चलती है पश्चिमी अफ्रीका में, और जो बोरा है ये चलती है पूर्व यूगोस्लाविया में। लियोलेरिया निपंक क्या है? तो ये है पेलाजिक निक्षेप। नेक्स्ट है, कुछ पदार्थों को जल प्रदूषक को, कुछ को वायु प्रदूषक को, और कुछ है जिन्हें भू प्रदूषकों के रूप में श्रेणीगत किया गया है। हमारे वातावरण के तमाम तीन हिस्सों को निम्नलिखित में से क्या प्रदूषित करता है? तो ये करता है अम्ल वर्षा। नेक्स्ट है, रिया किसका उदाहरण है? तो जो रिया है ये निमग्न उच्च भूमि तट का उदाहरण है। नेक्स्ट है, सपाट शिखर वाले उप समुद्रीय पर्वत क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं निमग्न द्वीप। अनाकोंडा सामान्यतः कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं अमेजन बेसिन में। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी सूची दी हुई है,
एक तरफ प्राकृतिक वनस्पति दी हुई है और भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश दिए हुए हैं। बताना है कि कौन सी वनस्पति कहाँ मिलती है। तो जो शंकु वृक्ष है ये मिलते हैं जम्मू कश्मीर में। जो सदाबहार वन है वो मिलते हैं अंडमान एवं निकोबार में। और मरुद्भिद वनस्पति है ये मिलती है राजस्थान में। और जो पतझड़ वन है ये मिलते हैं झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरणीय नीतिवाद की अवधारणा का समर्थन निम्नलिखित में से किसने नहीं किया है। तो इनमें से रैटजेल, डेविस और हैंटिंगटन, इन तीनों ने ही पर्यावरणीय नीतिवाद की अवधारणा का समर्थन किया है। इन क्वेश्चन में नहीं किया है पूछा है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी दो सूची दी हुई है, तो कौन सी अवधारणा है वो किसने दी है। तो जो संभववाद की अवधारणा है ये दी है OHK स्पेट ने। रुको जाओ नीतिवाद ये दी है ग्रिफिथ टेलर ने। क्रमबद्ध भूगोल ये दी है वान हम्बोल्ट ने। और क्षेत्रीय भूगोल की अवधारणा दी है कार्ल रीटर ने। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, एयर्स वाटर एंड प्लेसेस नामक पुस्तक किसने लिखी है। ये लिखी है हिप्पोक्रेट्स ने। नेक्स्ट है, मानवतावादी भूगोल का लक्ष्य है वृष्टि प्राप्त करना है, यानी कि व्यक्ति की जीवन शैली। नेक्स्ट है, जुग्राफिया जो 17 खंडों में लिखा गया है किसने लिखा है। ये लिखा है स्ट्रैबो ने। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो बुक से रिलेटेड क्वेश्चन है ये आप बहुत अच्छे से याद कर लेना, मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं ये। नेक्स्ट है, भारत में नवोदित औद्योगिक नगर में पुरुष एवं महिला दोनों की प्रौढ़ जनसंख्या की संख्यात्मक रूप में प्रधानता है। तो ये ए है, ये सही है। और जो आर है वो क्या है, मानव प्रवसन आयु एवं लिंग चयनात्मक है। जो आर दिया हुआ है ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें जो बी है वो सही सुमेलित नहीं है, बाकी ए सी और डी ये तीनों ही सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवसन अब जनसंख्या वितरण में कारक बिल्कुल नहीं रहा, इसका मुख्य कारण क्या है। तो इसका कारण है राष्ट्रों ने प्रवसन पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी सूची दी हुई है, एक तरफ विद्वान के नाम है, दूसरी तरफ विचार या प्रत्यय दिए हुए हैं कि किस विद्वान ने कौन सा विचार दिया था। तो जो चार्ल्स डार्विन है इन्होंने दिया था उद्विकास का सिद्धांत। विल्बर जेलेंस्की ने दिया था गतिशीलता की परिकल्पना। थॉमस माल्थस ने दिया था जनसंख्या एवं संसाधन। और जॉर्ज रेवेनस्टीन ने दिया है प्रवसन नियम। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, 21वीं शताब्दी के अंत में सार्वभौम नगर अथवा प्रक्षेपित नगरीय विश्व को परिभाषित करने के लिए इम्यूमेनोपोलिस शब्द का उपयोग किसने किया है। तो ये किया है डोक्सिया डेस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी सूची दी हुई है जिनको सुमेलित करना है। एक तरफ क्षेत्र संख्या दी हुई है, दूसरी तरफ शहरी भूमि उपयोग पैटर्न दिया हुआ है। तो कौन सा फर्स्ट पे होगा, कौन सा सेकंड पे, इस तरीके से बताना है। तो जो फर्स्ट पे होगा वो होगा CBD, उसके बाद होगा थोक एवं हल्के विनिर्माण, उसके बाद निम्न वर्ग आवासीय, और उसके बाद होगा मध्यम वर्ग आवासीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिफ्टिंग खेती के बारे में सामान्यतः सत्य नहीं होता है। तो इसके बारे में जो सी है वो सत्य नहीं होता है, बाकी ए बी और डी ये सही होते हैं। शिफ्टिंग खेती में क्या होता है, खेती में खेत का क्रमावर्तन होता है, भारवाही पशुओं की अनुपस्थिति होती है और यह सामुदायिक जीवन के लिए महा उत्प्रेरक शक्ति है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य टीन का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो जो छत्तीसगढ़ है वो टीन का सबसे बड़ा उत्पादक है। मैं ये क्वेश्चन जल्दी जल्दी बता रही हूँ क्योंकि अगर इनको एक्सप्लेन करने लग जाओ तो जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए मैं इनको सिर्फ बता रही हूँ, एक्सप्लेन है वो नहीं कर रही हूँ। आप इनको डिटेल में अपनी बुक से पढ़ सकते हैं, या फिर अगर आप चाहेंगे तो मैं इनकी डिटेल एक्सप्लेनेशन की वीडियो भी डाल दूंगी।
नेक्स्ट है औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत का क्लासिकल मॉडल जिसमें न्यूनतम लागत उपागम प्राथमिक महत्व रखता है, किसका औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत माना गया है? ये माना गया है वेबर का। नेक्स्ट है कील नहर किसे जोड़ती है? ये जोड़ती है बाल्टिक सागर एवं उत्तरी सागर को। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है भारत की स्पेशल इकोनॉमिक जोन विशिष्ट आर्थिक कटिबंध नीति कब लागू की गई थी? ये लागू की गई थी वर्ष 2000 में। नेक्स्ट है समकालिक संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा देश भू रणनीतिक दृष्टिकोण से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो यह है अफगानिस्तान। निम्नलिखित में से किस देश में क्षेत्रीय विकास नीति के रूप में पुरस्कार और दंड तकनीक का प्रयोग किया जाता है? ये किया जाता है ग्रेट ब्रिटेन में। नेक्स्ट है वृहत हिमालय का करोड़ किससे बना है? ये बना है आद्य महाकल्पी चट्टानों से। निम्नलिखित में से कौन सी शैल व्यवस्था भारत में कोयले का मुख्य स्रोत है? यह है गोंडवाना। भारत द्वारा दक्षिण पश्चिम एशियाई देशों में कौन सी वस्तुओं का समूह आयात किया जाता है? तो आयात किया जाता है बहुमूल्य पत्थर एवं मोती। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक संख्या में चीनी मिले हैं? तो यह है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी सूची दी हुई है जिनको कि सुमेलित करना है। एक तरफ बोली दी हुई है, दूसरी तरफ राज्य दिए हुए हैं। तो कौन सी बोली किस राज्य में बोली जाती है? तो जो ये अवधी है ये बोली जाती है उत्तर प्रदेश में। बुंदेली ये बोली जाती है मध्य प्रदेश में। मैथिली बोली जाती है बिहार में। और जो बागड़ी है वो बोली जाती है हरियाणा में। नेक्स्ट है लेबन्सराम की अवधारणा किसके प्रकाशन के पश्चात राजनीतिक भूगोल के विषय में लोकप्रिय हुई? तो ये हुई है पॉलिटिक्स ज्योग्राफी। नेक्स्ट है प्रेड ने निम्नलिखित आधार पर अवस्थिति सिद्धांत की आलोचना की है? तो यह तर्कपूर्ण असंगतता उद्देश्य एवं क्षमता। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें भी दो सूची दी हुई है जिनको सुमेलित करना है। तो संचयी प्रेरण मॉडल ये दिया है मिडराल मिडाल ने। नेक्स्ट है स्थानिक विसरण ये दिया हैगर स्टैंड ने। व्यवहार परक मैट्रिक्स ये दिया है प्रेड ने। और आर्थिक वृद्धि की अवस्थाएं ये दी है रोस्टो ने। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भू राजनीति शब्द की उद्भावना की? तो ये की है जेलेन ने। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को इस बात का श्रेय जाता है कि उन्होंने वृद्धि ध्रुव सिद्धांत में भौगोलिक क्षेत्र की संकल्पना को समाहित किया? तो ये किया था बोर्डविली ने। निम्नलिखित मानचित्रों को पैमाने के ह्रासमान क्रम में व्यवस्थित करो। तो इसमें होगा भूकर मानचित्र, उसके बाद स्थलाकृतिक मानचित्र, दीवाल मानचित्र और उसके बाद एटलस मानचित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरएफ 1:50,000 के साथ मानचित्र पर अपवाह द्रोणी या बेसिन के क्षेत्र को मापने पर 200 वर्ग सेंटीमीटर आया है, तब आरएफ को कम करके 1:1,00,000 कर दिया जाता है, तो मानचित्र पर बेसिन क्षेत्र क्या होगा? तब होगा 50 वर्ग सेंटीमीटर। नेक्स्ट है स्थलाकृतिक मानचित्र पर रेखाएं जो जल की गहराई इंगित करती है क्या कहलाती है? तो ये रेखाएं कहलाती है अनुगम्भीर रेखाएं। कुतुब मीनार को हवाई फोटोग्राफ पर पहचानने के लिए प्रतिबिंब व्याख्या के निम्नलिखित घटकों में से कौन सा ज्यादा अभिव्यंजक या सार्थक है? तो ये है छाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी सूची दी हुई है। एक तरफ मानक वर्ण दिए हुए हैं और भू उपयोग विशेषता दी हुई है, तो किसके द्वारा किसको शो किया जाता है? तो लाल रंग के द्वारा किसको शो किया जाता है? अकर्षीय क्षेत्र को। गहरा हरा इसके द्वारा कर्षीय क्षेत्र को। ब्राउन के द्वारा किया जाता है भिन्न भागों द्वारा निर्मित भूमि। और पीला पीले के द्वारा किया जाता है वन क्षेत्र को। नेक्स्ट है विदेश नीति से राजनीतिक भूगोल के संबंध को किसके चित्रांकन ने संक्षिप्त रूप प्रदान किया है? ये किया है कार्ल होशोफर ने। नेक्स्ट है निर्णयन प्रक्रिया में प्रतिवेश के मानसिक मानचित्र के महत्व पर पहली बार किसने जोर दिया है? तो ये जोर दिया है गोल्ड ने। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी।
आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपका कोई सजेशन हो तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। अगर आप एसटेट सीटेट नेट ऐसे ही किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।